फोन ही नहीं उठा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मिस्टर बोरा से उस दिन बात हुई थी ना, उसके बाद से अब तक मीका से बात नहीं हुई है मेरी। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। उसका फोन बंद आ रहा है यार। यू नो ना अशोक किस टाइप का इंसान है। रूही की कस्टडी के लिए भी उसने अशोक से हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने तो साफ ही मना कर दिया था। I just hope उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे टेंशन हो रही है, कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया होगा ना उससे। भाई तो यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गई। अब ऐसा करो ना, तुम लोग एक बार वहाँ होकर आ जाओ, शायद घर जाकर कुछ पता चले। चले ईशा, तू कैसे आएगी? मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। नहीं नहीं सिमी, अनन्या बहुत रो रही थी ना आज, तुम उस पर ध्यान दो आज थोड़ा। मैं चलती हूँ ना अक्का, क्या फर्क पड़ता है, आप भी तो प्रेग्नेंट हो, मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, हम लोग संभाल लेंगे एक दूसरे को। हाँ ये ठीक रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो अशोक ना तेरे साथ में थोड़े कंट्रोल में रहता है, और वैसे भी ये ना उसको अच्छे से संभाल लेती है। ठीक है नीलू, ले जा भाभी को अंदर। आई विल मैनेज। वंदिता आई एम सॉरी। हाँ ये इशिता ना दिन भर रूही के बारे में सोचती रहती है और परेशान होती रहती है, शायद बाहर जाएगी तो थोड़ा मन हटेगा। यू नो ऑफ कोर्स यार, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स। शगुन मामा, पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? आप भी ना रूही बेटा, आपने क्यों पोएम नहीं बोली जब अशोक अंकल कह रहे थे? आपको पता है वो आपको इतनी बड़ी एड फिल्म दे रहे थे, और पापा भी चाहते कि तुम उस एड फिल्म में एक्टिंग करो। पापा भी यही चाहते हैं? हाँ। पापा अशोक अंकल के साथ काम करते हैं ना बेटा, अगर आपने एक्टिंग नहीं की ना तो अशोक अंकल रमन को जॉब से निकाल देंगे। और अगर रमन का जॉब चले गया तो घर पे पैसे कहाँ से आएंगे? रमन स्टॉप इट, ये मेरा ऑफिस है, तुम मेरे एम्प्लॉय। नहीं नहीं मैं परफॉर्म करूंगी, आप अशोक अंकल को बोलो। आप पोएम बोलोगे फुल एक्सप्रेशंस के साथ? हाँ। गुड गर्ल। Are you sure, रूही? हाँ, अशोक अंकल, मैं कुछ भी करूंगी, मुझे सब कुछ आता है, मैं पोएम सुनाऊं? No, there's no need. I'm sure तुम कर सकते हो, and I'm sure कि तुम उस वक्त थोड़ा नर्वस हो गई होगी, तभी परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? अंकल, थैंक यू, बट प्लीज मेरे पापा को नहीं बताना, वरना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। शगुन मामा चलो। चलो थैंक यू। कमाल की फैमिली है, एकदम ड्रामेबाज। अगर घंटी जा रही है, वो फोन ही नहीं उठा रही है जब से। What is wrong with her यार, वो ऐसा कभी भी नहीं करती, she always calls back. I just hope she's okay. She'll be okay अक्का, don't worry. हम जा रहे हैं ना, देखते हैं अभी। शगुन से और एक्स में भी क्या किया जा सकता है? शगुन आओ, तुम लोग को ड्रॉप कर देता। नो शगुन, धूप बहुत है, नहीं मिलेगी ऑटो, धूप बहुत है, रूही की तबीयत खराब हो जाएगी। चलो हम टैक्सी का वेट कर लेंगे, ऑटो का वेट कर लेंगे, वी विल मैनेज। शी इज स्वेटिंग फॉर गॉड्स सेक यार। फाइन, रूही के लिए। अगर कहीं ऐसा तो नहीं उसका फोन चोरी हो क्या? अरे पर लैंडलाइन तो लगनी चाहिए थी ना। का सब कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं टेक्स्ट करती हूँ ना, करूँ जो फोन है कि आफत है यार, बच बच कर सर खराब हो गया मेरा। Look at this. इतनी सारी मिस कॉल्स, ये बहने पागल है क्या यार? ये काम नहीं, इतने सारे फोन, इतने सारे मैसेज डाले जा रही है। चलो ऐसा करता हूँ कि मैं एक मैसेज डाल देता हूँ। का रिप्लाई आया? क्या लिखा है? कि शी इज बिजी राइट नाउ, बैटरी लो है, घर जाके कॉल करी। कितनी इडियट है ये लड़की सच में। थैंक गॉड शी इज फाइन, वरना उसके घर पहुंच जाते और अशोक से मिलना पड़ता। सच में उससे तो मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती हूँ। तूने रमन को तो नहीं बताया ना ये बात? नहीं, उन्हें नहीं बताया। वुड हैव जस्ट गॉटन टेंस्ड।
भैया आप मयूर विहार लेके चलिए वापस। बहुत मन करना। प्लीज रुक, टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। रुई, चलो प्लीज पापा के। ओके पापा। चल। रिश्ता पुराना है।